अंसार अहमद एक गुमनाम लड़का जो इन झुग्गी झोपड़ियों में रह करके अपनी मेहनत करता रहा और आज उसने नेशनल लेवल पर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और उसकी ये मंशा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचे, उसे सरकार की तरफ से मदद मिले, कॉमनवेल्थ खेल में वो जाना चाहता है। आइए हम आज उनको दिखाएंगे उनकी पूरी कहानी कि वो इस 10 मुश्किल से 10x10 का कमरा होगा जिसमें निसार जी रहते हैं, उनके मम्मी पापा, उनके कोच मैम भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज़ादपुर की झुग्गी में मुश्किल से 10x10 के कमरे में निसार अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। निसार ने दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 और 200 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता है। इस जीत के साथ ही उन्होंने अंडर 16 ऑल इंडिया रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। आज निसार के पिता अपने बेटे के संघर्ष की कहानी बताते हुए नहीं थक रहे हैं। जब ये 13 साल का था तो जब इसने कहा कि मेरे से पापा मैं देश का नाम ऊंचा करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा किस तरह बेटा करेगा, तो कहता है मैं रेस करूँगा। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि भाई देश का नाम ऊंचा करने के लिए तो मेरे को साथ तो चाहिए चाहिए इसका। फिर हमें जो हम अभी भी कमाते थे वो लगाया इस पर, फिर उसके बाद जो कम करता था वो हम कर्जा लाते थे, फिर थोड़ा थोड़ा करके दे देते थे। निसार के पिता रिक्शा चलाते हैं, उनमें यह मायूसी भी है कि वे आर्थिक रूप से सक्षम होते तो आज बेटे को सभी सुविधाएँ दे पाते। जो भी नमक रोटी दिया हमने खाने को इसको, इसने अपने खुशी से खाया और अब तक यहाँ पहुँचा। और हमारी एक दो लड़कियाँ हैं, तो एक की शादी कर दी है और एक 20 साल की हो चुकी है, तो उसकी शादी हमने इसलिए रोक दी कि इसका काम रुक जाएगा फिर, क्योंकि पैसा अगर लड़की में लगा देंगे तो इस पर कैसे लगाएंगे। रिक्शा चला के इतनी आमदनी तो है नहीं, बीवी हमारी इतनी मेहनत करती है उसमें भी आमदनी इतनी है नहीं, तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बेटे को अच्छे से अच्छे बनाओ, इसको ये ऊपर जाना चाहता है और बढ़ना चाहता है, देश का नाम रोशन करना चाहता है, तो इसके लिए आप सपोर्ट करें हमारी। निसार अपनी कोच सुनीता राय का धन्यवाद दे रहे हैं कि आज वो जो कुछ हैं सुनीता मैम की वजह से हैं। मुझे अब तो लग रहा है कि इंडिया मुझे सपोर्ट कर रही है तो मैं और अच्छा करूँगा, और मुझे दिख रहा है कुछ लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, सर हैं, मैम तो हमेशा से करके आई हैं, मैम की तो बात ही अलग है, बट और भी जो लोग नहीं करते थे, जो लोग मुझे जानते मिलते वो अब मुझे जाने लग गए हैं और मुझे सपोर्ट करने लग गए हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि वो ऐसे ही हर एक बच्चों को सपोर्ट करें, मुझे ही नहीं, इंडिया के जिस बच्चों में टैलेंट है उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें मौका दें आगे जाने का। ये लड़का बहुत मेहनती टैलेंटेड है और विल पावर स्ट्रांग है, आगे ये अच्छा करेगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये पहले नेशनल जीते और अपने से बड़े ग्रुप में भी अच्छा करे, क्योंकि जो इसने टाइमिंग दिया है अभी दिल्ली स्टेट में वो मेन कैटेगरी, अपने से जो 3 कैटेगरी ऊपर थी अंडर 18 ईयर्स, अंडर 20 ईयर्स मेन कैटेगरी, उनसे बेटर टाइमिंग इसने 100-200 मीटर में इस दिल्ली स्टेट में दिया है। तो हमारी यही रहेगी कोशिश कि ये आगे नेशनल जीत कर और इंटरनेशनल लेवल पर आगे जाए और देश का नाम रोशन करे, और हम पूरी कोशिश करेंगे इसको आगे ले जाने की। निसार के जीवन में जन प्रतिनिधियों से केवल आश्वासन ही मिले हैं, लेकिन अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए वाकई समर्थन की जरूरत है। पूर्व खेल मंत्री विजय गोयल ने भी उन्हें आश्वासन ही दिया है। उम्मीद है कि अब निसार को सरकार की तरफ से समर्थन मिलेगा और वे अपने सपने पूरे कर पाएंगे। यदि आपकी नजर में भी निसार जैसी कोई प्रतिभा है तो आप हमारे इस नंबर 9811351333 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।